जंगली जानवर भी हो सकता है। और देखिए काफी बड़ा डैम है दोस्तों, बहुत बड़ा है। देखिए बहुत उसमें भी बड़े बड़े पत्थर, माँ कसम। धनोरा उकर बाद पक्की रोड हरे डामर वाला। तो दोस्तों एक शॉर्टकट लिए है, लोगों ने बताया है कि एक शॉर्टकट है जंगल से रास्ता ये वाला, और ये हम लोग को जो है नगरी के लिए निकालेगा शॉर्टकट में। एक दो गांव क्रॉस करना है और रोड नहीं है, ये जो है जो गांव वाले अपने लिए रोड बना लेते हैं वैसा वाला रोड है नरहरा वाटरफॉल से। और देखते हैं ये हम लोग को कहाँ निकालेगा। वैसे बताया है कि गांव पड़ेगा आगे में करके, और ये जंगली रास्ता है दोस्तों। जंगल वाले जो गांव के लोग हैं अपने लिए गाड़ी बैला में लकड़ी वकड़ी ले जाने के लिए जो रास्ता बनाते हैं वो वाला रास्ता है। इसमें बाइक वगैरह भी आ जाती है क्योंकि रास्ते पे बाइक वगैरह के निशान हैं, तो इसलिए इसी सिंगल रोड पे हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं। जंगली जानवर भी हो सकता है, बाकी नहीं मिलेगा बोला है अभी इस रास्ते पे। शाम के समय या रात को आएंगे तभी जानवर मिलता है बोले हैं, अभी इस टाइम पे जानवर वगैरह नहीं रहता बोल रहे। अभी करीब करीब 11:30 हो गए हैं, और इस टाइम पे जो है जानवर भालू वगैरह जो है या हिरन वगैरह है वो सब नहीं आता रास्ते में, ऐसा बता रहे थे। तो पूछ के ही हम लोग ये रास्ता चुने हैं, देखते हैं कहाँ तक इस रास्ते पर हम लोग सफल हो पाते हैं। तो पूरा पत्थर वाला रास्ता है भाई, गड़बड़ है गड़बड़। अरे भैया निकल गए। वाओ कितना बड़ा, देखे बीम क्या बोलते हैं उसको, बाम्बी। हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते भीम होरा, उसका एक मूवी भी बना है, नत्था जी है उसमें भीमहोरा करके। क्या रास्ता है भाई, इसको कहते हैं असली में ऑफ रोडिंग करना। हमारी बाइक भी कम नहीं है भाई, 125 सीसी की बाइक, दो बैग, दो आदमी, और ये रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त। बोला था कि जिस ट्रैक पे जाओगे उधर नाला पड़ेगा एक, तो भाई नाले पे आ गए हम। अई कोई जानवर नहीं, गाय गाय भाई गाय। अरे यार माँ कसम, इसमें बाइक कैसे उतारूँ मैं, उतर ना। तो भाई पूरा पत्थर पत्थर का है, खतरनाक माँ कसम, तो कांड हो जाएगा रे भाई। थोड़ा सा भी बाइक स्किट हुआ, बाइक का अपने को धूल मट्टी चाटना पड़ जाएगा। हलो हलो अल भाई, खतरनाक है बाप रे। ले भाई पानी आ गया, उसमें भी बड़े बड़े पत्थर, माँ कसम। देखा तो उसमें भी बड़े बड़े पत्थर, माँ कसम। देखा तो पत्थर थोड़े बड़े वाला, पूरा जूता मेरा पानी भर जाएगा भाई। बड़े बड़े पत्थर है,
फिसल ही बाबा, तो जाते नहीं बन रहे भाई। ये बेग ला रखना, बुलाओ कर मढ़ा का। फंसी गोला, फंसी गए फंसी गए फंसी गए भाई, फिसल ही ना बड़े वाला है यार, गिरे के डर है साले, गिर गर गया तो गया। हाँ निकल गया, क्या बात है, निकाल लिए, निकल गया भाई। चलो अब ये पहाड़ चढ़ना है, पता नहीं कौन सा है। हाँ, नरहरा वाटरफॉल के पानी है। हाँ वही है। हाँ फाइनली गाइस, हमने एक बाधा पार कर ली, अब देखते हैं और कौन सा बाधा आएगा। संजोरी, संजोरी और कौन सा गांव? धनोरा। उकर बाद पक्की रोड है रे, डामर वाला। हाँ, अच्छा ठीक है, तो वो ए रोड है जाही ना। ले मोड़ू, ठोकन देती आबे। इसी को कहते हैं दोस्तों घूमना, इधर पूछ रहे उधर पूछ रहे जा रहे हैं, गूगल मैप है नहीं, नेटवर्क है नहीं। जंगली गांव में हम लोग आए थे, अब ये वाला रोड बोले हैं इस रोड में जाओ। यहाँ से दो गांव का नाम बताए, संजोरी और एक क्या धन धन धनोरा, दोनों गांव के बाद बोले कि पक्की रोड मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, एक जंगल वाला रास्ता क्रॉस किए, उसके बाद ये गांव वाला कच्चा रास्ता, फिर हो सकता है हमको मिल जाए पक्का रास्ता, ये रास्ता। तो फाइनली गाइस, नरहरा वाटरफॉल से हम लोग जंगल होते हुए निकल गए, मेन रोड पे आ गए हैं, और मेन रोड पे अब डिसाइड किए हैं कि हम लोग जाएंगे मॉडम सिल्ली, या पता नहीं मॉडम सिल्ली है कि मैडम सिल्ली है कि और कोई बांध है नाम, वैसे तो मैडम सिल्ली ही बोलते हैं हम लोग, जो कि गंगरेल डैम का जो सपोर्टिव डैम है, मतलब गंगरेल डैम के ऊपर जो है वो डैम स्थित है, उस डैम का पानी गंगरेल डैम में जाता है, ऐसा कुछ है। तो हम लोग डिसाइड किए कि भाई चलिए मॉडर्न सिल्ली डैम देखते हैं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है, कभी आया नहीं है। बाकी गंगरेल डैम तो आ चुका हूँ मैं, ब्लॉग भी बना चुका हूँ, सिहावा भी आ चुका हूँ, वो भी ब्लॉग आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। दुधावा डैम का भी मैंने बना लिया है वीडियो जो है, लेकिन मॉडर्न सिल्ली डैम का नहीं बनाया है। तो अभी मैंने फाइनली डिसाइड किया रोड में आने के बाद कि हम चलेंगे मॉडम सिल्ली डैम, और वहाँ से फिर चलेंगे कांकेर। ये कहाँ जा रहा है भाई, एक सेकंड, ये है सिहावा, यहाँ से 33 किलोमीटर, दुधावा 46 किलोमीटर, कांकेर 74 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये गट्टा सिल्ली घोट गांव 20 किलोमीटर, बीरगुड़ी मार्ग 25 किलोमीटर। तो ये है मेन हाईवे है शायद धमतरी और ये वाला, और हम जिस रोड पे अभी अंदर में थे वो शायद गरियाबंद के लिए होगा रोड, यहाँ लिखा नहीं है। तो फाइनली हम एक चौराहे पे पहुँच गए हैं, अब सिहावा 33 दिखा रहा है, तो धावा 46 दिखा रहा है, कांकेर 74, तो हम लोग को जाना है मॉडम सिल्ली, तो इधर होगा केरे गांव। चलो देखते हैं केरे गांव। ये भाई डैम के बारे में कुछ लिखा है, देख लीजिए।
वाह कितना बड़ा, ये तो भाई क्रिकेट ग्राउंड बन जाएगा इतना बड़ा। ये लोग पूरा करवा दिए हैं फ्लोरिंग, और ये शायद पानी बाहर निकलने का रास्ता है ना, वहाँ पे पानी गिर रहा होगा सामने, जिसको छत्तीसगढ़ी में उलट बोलते हैं। तो ये है बहुत ही खूबसूरत सा एक पेड़, ये बांधा हुआ है। तो दोस्तों उधर जो है गार्डन है, ये नीचे में सारे लोग जो उधर खाना वाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक वाले हैं सब, बहुत लोग हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी टाइप साइफन, देखिए यहाँ पे लिखा है बी टाइप साइफन करके। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का पहला बांध है जो साइफन सिस्टम में बनाया गया था, और इसको लगभग 1914 में बनाया गया। दोस्तों 1914 में बनाने का स्टार्ट किए थे, और ये बांध जो है 1923 में बनकर जो है तैयार हुआ था। और ये छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा डैम है जो साइफन सिस्टम में काम करता है। साइफन बेसिकली शब्द जो है ग्रीक से आया है, साइफन मतलब होता है एक मुड़ी हुई नली, उसके हिसाब से काम करता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये बांध ऑटोमेटिक काम करता है, जब पानी का लेवल दोनों तरफ बराबर हो जाता है, एक मुड़ी हुई नली में बराबर हो जाता है, तब ऑटोमेटिक जो है पानी निकलना बंद हो जाता है, और जब ऊपर होता है तो दोनों तरफ से पानी जो है ऊपर निकलता है, ऐसा कुछ है। तो इसको कई लोग जो है ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत भी बोलते हैं कि डैम का पानी निकल जाता है करके। और ये डैम जो है करीब करीब 187 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है कैचमेंट एरिया है, या लंबाई है या चौड़ाई है बोल सकते हैं। 187 स्क्वायर किलोमीटर में ये बांध जो है फैला हुआ है। इसको बेसिकली इसको तो माडम सिल्ली कहते हैं लोग, लेकिन नाम यहाँ पे लिखा हुआ है माडम सिल्ली करके लिखा हुआ है, या इसको आप मुरुम सिल्ली भी बोल सकते हैं। और ये बांध जो है सिलियारी नदी पे बनाया गया। दोस्तों यहाँ पे एक सिलियारी नदी करके बहती है इसी में, तो उसी के ऊपर जो है इस बांध को बनाया गया है। तो ये नहरों में जो पानी छोड़ने का है कुछ यहाँ पे बनाया गया है, और इसके नीचे देखिए ये नहर है या पानी निकलने का जगह है जो ऑटोमेटिक निकलता होगा, और वहाँ पे आप नीचे नहा वगैरह सकते हैं। पूरे नहाने की जो है सीढ़ियाँ वगैरह वहाँ पे बनी हुई है, तो वहाँ भी आप नहा वहा सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत से एरिया में है दोस्तों, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ, और देखिए काफ़ी बड़ा डैम है दोस्तों, बहुत बड़ा है। देखिए बहुत ही, इधर भी देखेंगे तो पूरा आखिरी तक के पानी पानी दिखाई दे रहा है, इधर भी जो, तो बहुत बड़ा डैम है दोस्तों ये। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से जंगल में है, बड़े बड़े पेड़ हैं साजा के, बीजा के, खम्हार के, बहुत ही खूबसूरत से एरिया है दोस्तों ये। और इसी रास्ते से होते हुए हम लोग जा रहे हैं कांकेर के लिए। तो कांकेर अभी यहाँ से करीब करीब 34 किलोमीटर और है, और आप जो है मॉडम सिल्ली आएंगे तो मॉडम सिल्ली से जो है डायरेक्ट रास्ता है नरहरपुर के लिए। नरहरपुर वहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर है, और नरहरपुर के बाद आप डायरेक्ट कांकेर निकल सकते हैं। तो आप अगर बस्तर की जर्नी प्लान कर रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत एरिया से होकर आप लोग जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त एरिया दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कांकेर में।